नमस्कार, मेरा नाम है ज्ञानेंद्र और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। एक बड़ा ही चौंका देने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां एक सभापति खुद रसोई की गुणवत्ता चेक करने खुद पहुंच गए। बता दें कि यह पूरा मामला राजस्थान के अलवर का है। बता दें कि राजस्थान के अलवर के सभापति मुकेश शारवान रसोई की गुणवत्ता चेक करने खुद पहुँच गए। वहाँ उन्होंने 8 रुपये की टोकन ली, फिर वहाँ पर उन्होंने रोटी दाल और चावल खाई। फिर उन्होंने रसोई के ठेकेदारों को एक नोटिस भी जारी किया, क्योंकि असल में जो वहाँ दाल बनी थी उसकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब थी, दाल काफ़ी पतली थी और साथ ही जो रोटी की क्वालिटी थी उसकी भी गुणवत्ता काफ़ी ख़राब थी और आसपास सफाई की भी काफ़ी कमी थी, चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी। बता दें कि इंदिरा रसोई राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है। इस योजना के तहत जो भी गरीब लोग हैं वो मात्र 8 रुपये में भोजन कर सकते हैं। बता दें कि यह योजना राजस्थान सरकार ने उन लोगों को ध्यान में रख कर किया है जिन्हें पैसों की कमी के वजह से 2 वक्त का रोटी भी नसीब नहीं हो पाता है। बता दें कि पहले इस योजना से पहले राजस्थान में भूख से मरने वालों की संख्या काफ़ी होती थी, लेकिन इस योजना के आ जाने से अब राजस्थान में भूख से मरने वालों की संख्या में कमी आई है। राजस्थान के अलवर में सभापति मुकेश शारवान ने 3 जगहों पर इंदिरा रसोई का जायजा लिया। सभापति ने खाना खाने वाले लोगों से भी पूछा कि 8 रुपये से अधिक पैसा तो नहीं वसूला जा रहा, लेकिन अधिक राशि लेने जैसी बात कोई भी सामने नहीं आई। इसके अलावा उन्होंने रजिस्टर भी चेक किया। सभापति ने कहा कि सफाई व्यवस्था में तुरंत सुधार की जाए, नहीं तो आगे से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बता दें कि इंदिरा रसोई के अलावा हमारे देश में कई तरह की और भी योजनाएँ चलती हैं जिससे गरीबों का पेट भर जाता है और बड़े ही कम दामों पर। इंदिरा रसोई योजना जो राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है, इस संदर्भ में हमारे व्यूअर्स का क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।